तो दोस्तों जागरेब में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश आने वाली है। देखिए मौसम कैसा बना हुआ है, पूरा मौसम गजब का मौसम बना है। बारिश का बारिश हो रही है अभी फिलहाल, लेकिन देखते हैं कितना तेज़ बारिश आएगी। और कई दिनों से काफ़ी जो गर्मी था, गर्मी की वजह से बहुत हालत बेहाल था, लेकिन अभी मौसम बना दिया है बारिश का, तो बारिश आएगी। ये हम लोग की साइड है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त बारिश आने वाली है। तो दोस्तों कई दिनों के बाद जाके आज बारिश हुआ जागरण में, और इतनी गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी इस समय, टेम्परेचर बहुत हाई था, यानी कि इंडिया के जितना जितना था, इंडिया में 35 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ भी 31-32 डिग्री तापमान था यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल आज जो है कि बारिश हो गया, थोड़ा सा मौसम अभी ठंडा रहेगा, तो आज बरसात की वजह से जो है कि काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पे, और रोड पे हम लोग आज जो निकले हैं तो थोड़ा सा पहले निकले इसीलिए कि ताकि ट्रैफिक में ज़्यादा देर ना हो जाए हमको, क्योंकि आज भीड़ भाड़ ज़्यादा है रोड पे, रोड खाली नहीं है आज। तो अभी चले हैं, दिखाते हैं आज आपको रोड शो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे आज। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मौसम देखिए कैसा हुआ है, अब बारिश की बूंदें जो है गिर रही हैं। आज जागरेब में लगता है कि काफ़ी तेज़ बारिश आएगा। तो देखिए पूरा जो है कि आज ट्रैफिक ज़्यादा है, और लाइन ही लाइन लगी है, एक लाइन से खाली है, और मरने वाला होता है लेने खाली है। तो दोस्तों काफ़ी लोग का जो है कि सवाल है कि भैया जब सबमिशन कराते हैं तो कितने दिनों के बाद जो है कि पासपोर्ट हमें वीजा स्टम्पिंग होकर मिलता है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कितने दिनों के बाद पासपोर्ट मिलता है, कितना क्या अभी किस इस समय जो है कितना टाइम लगता है पासपोर्ट मिलने में। तो दोस्तों देखो अभी जो टाइमिंग है पहले के अपेक्षा काफ़ी लग रहा है, 3-3 से 4-4 महीने लग रहा है। पहले तो 80 दिन 85 दिन के अंदर मिल जाता था, 90 दिन के अंदर मिल जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि 100 दिन 120 दिन यानी कि 3.5 या 4 महीने के आसपास जो है कि मिल रहा है। उसके पहले बाकी लोगों का, कई लोग को तो 1.5-1.5 महीने मिल गया, 2-2 महीने मिल गया, तो एक लक होता है, चलो ठीक है, किसी का जल्दी मिल जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने हो जाता है। पर ये मान के चलिए प्रोसेसिंग टाइम जो है कि अभी 4 महीने होने वाला है, जो है कि 4 महीने के पहले जो है कि वीजा स्टम्पिंग के नहीं मिलेगा, बहुत किसी का मिल गया उसका लक। तो अधिकांश जो जान पहचान के हैं जिनका भी इस समय मिला है, सबका 90 दिन के बाद ही मिला है, 90 दिन से पहले किसी का नहीं मिला है, किसी का 90 दिन, किसी का 100 दिन, किसी 95 दिन, ऐसे करके मिला है। तो काफ़ी लोग जो है कि इंतज़ार करते करते थक जाते हैं, बोलते यार कब आएगा कब आएगा, हमें भी पूछते रहते हैं कि कब आएगा। तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, कंपनी वाला भी कुछ नहीं कर सकता। कंपनी वाला का काम इतना ही है कि वो पुलिस स्टेशन से जाके मेल डलवा सकता है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ मेरा वर्क परमिट है, जो है कि जल्दी थोड़ा कीजिए, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर फर्क पड़ता है कि उनका काम थोड़ा सा 2-4-5 दिन पहले हो जाता है। जैसे जो है कि एक वर्क परमिट जो है कि सबमिशन हुआ है चेन्नई से, तो जो कंपनी का ओनर है मैसेज किया था, बताया था कि हम जो है कि जाके पुलिस स्टेशन में जो है कि मेल करवा दिए हैं, शायद जल्दी हो जाएगा। तो हमारा काम है भी कि भैया उसको भी हम बस हाँ में हाँ करते हैं कि हाँ ठीक है जल्दी हो जाएगा, वीज़ा स्टैम्प होकर वीज़ा मिल जाता है, वैसे बंदे का फ्लाइट हो जाएगा। तो काफ़ी अभी जिनका काम है जोरों पे वो लोग बोलते हैं कि बंदा कब आएगा, काफ़ी लोग, लेकिन उसमें जो है कि सबमिशन के दौरान काफ़ी लेट हो रहा है, तो हम समझाना लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है।
तो लोग बार बार मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कब होगा, कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सारी। इसके पहले भी हमने लोगों को बताया, काफ़ी लोग फिर भी पूछते हैं। उनको जाके वीडियो देखना चाहिए, यूट्यूब पर सर्च करके देखना चाहिए वीडियो कि क्या टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारी चीज़ें जो है कि पता चल जाएगा आप लोग को। तो दोस्तों अभी जो है कि यहाँ पे ठीक ठाक है, थोड़ा सा वर्क परमिट देरी हो रहा है, बाकी तो काम काज बहुत बढ़िया है, अभी काम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी इस समय थी, काफ़ी गर्मी थी, अभी तो ठंडा मौसम हो गया, आज बरसात हुआ था यहाँ पे, तो टेम्परेचर डाउन हो गया एक ही दिन में, नहीं तो दो दिन एक वन वीक से तो बहुत गर्मी थी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था टाइमिंग के बारे में। वीएफएस में अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, जिनको बंदे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, उनको अपॉइंटमेंट का जो है कि वीएफएस में अपॉइंटमेंट के लिए जुगाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं से दिलवाएंगे। तो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है बताएँ, संपर्क करें, उनका अपॉइंटमेंट का जो है कि बुक करके हम बताएँगे आपको। तो ठीक है, आज का इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीएफएस में अभी जो है कि फाइलें सबमिट हो चुका है, अब इंतज़ार करते हैं लोगों का वीज़ा कब आता है। तो काफ़ी जो है कि लोग आने के लिए उत्सुक हैं कि भैया हमारा वीज़ा आ जाएगा तो हम भी क्रोशिया चलेंगे, पैसे कमाएंगे, तो उनका मोस्ट वेलकम रहेगा। जो लोग आएंगे अभी इस समय, मिलेंगे उनसे, उनके साथ वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के बीच में दिखाएंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही, रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में। ओके दोस्तों, ओके, बाय बाय।